सो हेलो एवरीवन, अमन परमार दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रिसेंटली मेरे टीम मेंबर्स ने भी मुझसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर हमें अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, जो हमारे ड्रीम्स है उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम अपने माइंडसेट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा एंड इतनी मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस स्टोरी को आप समझ जाते हो तो आज ही से आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो सकता है एंड जो भी आपके ड्रीम्स है उनको आप रियलिटी में बदल सकते हो। जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। देखो, ये तो फैक्ट है कि अगर हमारा माइंडसेट रिच है तभी हम रिच बन पाएंगे, बट अगर हमारा माइंडसेट पुअर है तो हम पुअर ही रह जाएंगे। आपने वो लाइन सुनी होगी कि अमीर और अमीर होते जाता है और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है। तो जो अमीर का माइंडसेट होता है वो उसको गरीब नहीं होने देता और जो गरीब का माइंडसेट है वो उसे अमीर नहीं होने देता, राइट? कारण सबसे बड़ा माइंडसेट ही है। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी के मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल को क्रिएट किया एंड इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रोफेशन वाले लोगों को, लाइक सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इन लोगों को एक मीटिंग में इन्वाइट करा और इस मीटिंग में उन सभी लोगों से एक कॉमन क्वेश्चन किया गया कि सर अगर आप लोगों को BMW लेना है तो आपको कितना समय लगेगा। सो सब लोगों से एक एक करके ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। सो सब लोगों ने अपने इनकम के हिसाब से आंसर दिया कि सर मुझे 8 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे, 16 महीने लगेंगे, 1.5 साल लगेगा, 1 साल लगेगा। सब लोगों ने अपने इनकम के बेस पे आंसर किया। ये उन लोगों का माइंडसेट था। अब वही इंटरव्यू पैनल रतन टाटा जी की टीम के पास गया और जैसे तैसे करके उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाई एंड रतन टाटा जी से भी उन लोगों ने वही सेम क्वेश्चन किया कि सर अगर आपको BMW लेना है तो आपको कितना समय लगेगा। अब गाइस, आप गेस करो रतन टाटा जी ने क्या आंसर दिया होगा। मैं आपको बताता हूँ, रतन टाटा जी ने आंसर किया कि मुझे BMW खरीदने में 4 से 5 साल लगेंगे। अब वो जो इंटरव्यू पैनल था वो शॉक हो गया और फिर से उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर आप तो इतने वेल्दी हो, आप तो इतने सक्सेसफुल हो, आप तो इतना पैसा कमाते हो, फिर भी आपको 4 से 5 साल लगेंगे। तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी कंपनी भी नहीं कि मैं उसको 4 से 5 महीने में खरीद लूं। ये था रतन टाटा जी का माइंडसेट। जब इंटरव्यू पैनल ने उन प्रोफेशन वाले लोगों से क्वेश्चन किया तो उन लोगों ने सोचा BMW की कार खरीदने का और सबने अपने इनकम के हिसाब से आंसर दिया। बट जब यही क्वेश्चन रतन टाटा जी से पूछा गया तो उनने पूरी कंपनी खरीदने का सोच लिया। ये था उनका माइंडसेट। सो गाइस, आपका माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो कितनी बड़ी चीज हो जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो जाएगी। बट अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप कितनी कोशिश कर लो, कितना ही स्ट्रगल कर लो, बट वो चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ठीक है, एंड आपको समझ में आया होगा कि हमें अपना माइंडसेट कैसा रखना है। सो अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने टीममेट्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी ये सीखने को मिले, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, पीस आउट।